एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें प्रूफ करनी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन बनेगी जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन, यानी कि हमारे पास ऑर्डर जो भी हो एडिशन की सूरत में हमारा आंसर सेम आएगा. तो मैं अगर लेफ्ट साइड ले लूँ तो टू प्लस आयोटा प्लस वन माइनस आयोटा, और राइट साइड पे हमारे पास जेड टू अगर हम ले लें वन माइनस आयोटा और टू प्लस आयोटा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. टू प्लस वन थ्री, यहाँ पे प्लस आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वन प्लस टू थ्री. तो ये हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट है. तो ये हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की उसको वेरीफाई कर लिया. फॉर मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा जो रिज़ल्ट है वो आना चाहिए कि अगर हम जेड वन और जेड टू को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो जेड टू और जेड वन का आंसर आता है. इसको वेरीफाई करने के लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ. सो टू प्लस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा, इससे बनेगा टू इंटू वन टू, टू इंटू माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा, आयोटा इंटू वन आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर. माइनस टू आयोटा और आयोटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इससे आंसर रहेगा माइनस आयोटा. आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन है. सो टू माइनस आयोटा प्लस वन, टू और वन हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, इससे थ्री आया, थ्री माइनस आयोटा. तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड का आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो वो है जेड टू इंटू जेड वन, जिससे कि बन रहा है वन माइनस आयोटा मैं पहले लिखूँगा और टू प्लस आयोटा मैं बाद में लिखूँगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की सूरत में मेरे पास बनता है वन इंटू टू टू, वन इंटू आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा इंटू टू माइनस टू आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर. तो ये दोनों लाइक टर्म्स, माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू मैं यहाँ पे माइनस वन लगा देता हूँ. तो माइनस माइनस प्लस प्लस वन, टू और वन लाइक टर्म्स हैं, थ्री थ्री माइनस आयोटा. तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है. तो इस तरीके से हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हमने वेरीफाई कर दिया. एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेरीफाई करनी है. तो इसमें जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन की अगर हम बात करें तो वो है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री. तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट बाद के दो वालों पे लगाता हूँ तो राइट साइड पे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी. तो इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालूँ तो वो है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री. इसके हिसाब से जेड वन की वैल्यू है माइनस वन प्लस आयोटा, जेड टू की वैल्यू है थ्री माइनस टू आयोटा, और जेड थ्री की वैल्यू है टू माइनस टू आयोटा. तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको चूंकि मुझे पहले सॉल्व करना है तो इससे बनेगा माइनस वन प्लस आयोटा एज इट इज़, और यहाँ पे थ्री प्लस टू फाइव, माइनस टू आयोटा और माइनस टू आयोटा माइनस फोर आयोटा. अब माइनस वन प्लस आयोटा और ये प्लस फाइव माइनस फोर आयोटा, इसमें हमारे पास माइनस वन और फाइव से फोर और आयोटा और माइनस फोर आयोटा से माइनस थ्री आयोटा. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. राइट हैंड साइड के लिए अगर मैं जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू पहले लिखूं, यानी कि माइनस वन प्लस आयोटा और थ्री माइनस टू आयोटा, तो इसको जो है मैंने ऐड करना है जेड थ्री के साथ, यानी कि टू माइनस टू आयोटा के साथ. तो यहाँ पे मेरे पास
माइनस वन और प्लस थ्री से आ गया टू, और अयोटा और माइनस टू अयोटा से आया माइनस अयोटा, और ये टू माइनस टू अयोटा एज इट इज़। सो टू माइनस अयोटा और प्लस टू माइनस टू अयोटा, इसमें अब ये टू और ये टू मिलके फोर, और अयोटा और माइनस टू अयोटा मिलकर माइनस थ्री अयोटा। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड का आंसर हमारे पास सेम आया है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस हिसाब से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को जो है वो प्रूव कर दिया। अगला जो हमारा स्टेप है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन को प्रूव करना है। उसकी खातिर जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है वो है जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री, जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री। यहाँ पे हम अगर ये ब्रैकेट बाद में लगाते हैं तो यहाँ पे ये ब्रैकेट शुरू में लगानी पड़ेगी। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी खातिर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो जेड वन जेड टू इंटू जेड थ्री, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ तो माइनस वन प्लस अयोटा, और ब्रैकेट के अंदर मुझे दिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, वो है थ्री माइनस टू अयोटा इंटू टू माइनस टू अयोटा। इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है माइनस वन प्लस अयोटा एज इट इज़, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू माइनस टू अयोटा माइनस सिक्स अयोटा, माइनस टू अयोटा इंटू टू माइनस फोर अयोटा, माइनस माइनस प्लस टू टू ज़र फोर अयोटा स्क्वायर। इसकी सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास आएगा माइनस वन प्लस अयोटा एज इट इज, और इससे सिक्स माइनस सिक्स अयोटा और माइनस फोर अयोटा दोनों मिलकर माइनस टेन अयोटा। यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर है वो इसको माइनस वन कर देगा, इससे बनेगा माइनस वन प्लस अयोटा, सिक्स और माइनस फोर मिलके टू हो गए, तो टू माइनस टेन अयोटा। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस प्लस टेन अयोटा, अयोटा इंटू टू टू अयोटा, माइनस टेन अयोटा स्क्वायर। इससे बनेगा टेन अयोटा और टू अयोटा मिलकर ट्वेल्व अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। सो माइनस टू और ये माइनस माइनस प्लस टेन, इसको इकट्ठा कर देंगे और हमारे पास आएगा एट प्लस ट्वेल्व अयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए जो हमारे पास दूसरा फॉर्मेट है जेड वन टू जेड टू, इसमें मैं पहले माइनस वन प्लस अयोटा और थ्री माइनस टू अयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा, और जेड थ्री के साथ बाद में जिसकी वैल्यू है टू माइनस टू अयोटा, और इसको सिंप्लीफाई करके मुझे वही आंसर लाना है जो कि अभी हमने लेफ्ट साइड से लाया है। तो यहाँ पे माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू अयोटा, अयोटा इंटू थ्री थ्री अयोटा, और अयोटा इंटू माइनस टू माइनस टू अयोटा स्क्वायर, टू इन टू माइनस टू अयोटा एज इट इज़। ये बनेगा माइनस थ्री टू अयोटा और थ्री अयोटा मिलकर फाइव अयोटा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर को हम माइनस वन कर सकते हैं, टू माइनस टू अयोटा एज इट इज़ माइनस थ्री, और ये माइनस माइनस प्लस टू, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया और फाइव अयोटा को बाद में लिख लिया, टू माइनस टू अयोटा, इससे बनेगा माइनस वन, माइनस थ्री और प्लस टू से माइनस वन प्लस फाइव अयोटा, जिसको कि हमने टू माइनस टू अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस वन इंटू टू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू अयोटा, फाइव इंटू टू, फाइव टू इज़ टेन, टेन अयोटा,
और 5 इंटू माइनस टू माइनस 8 अयोटा स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 अयोटा और 10 अयोटा मिलकर 12 अयोटा, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 है, तो इससे हमारे पास माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मुझसे गलती हो गई, 5 अयोटा को जब 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अयोटा स्क्वेयर, तो उसकी करेक्शन कर देते हैं, 5 टाइम 2 इज 10, 10 अयोटा स्क्वेयर। यहाँ पे 10 जब हम इन दोनों का उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 अयोटा स्क्वेयर, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस 10 कर देंगे, प्लस 12 अयोटा, और इन दोनों को सॉल्व करके अब हमारे पास आता है 8 और साथ में 12 अयोटा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों आपस में इक्वल आते हैं, लिहाजा हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी वेरीफाई हो गई।